दोस्तों 23 दिसंबर को आईपीएल की नीलामी हुई, जिसमें कई खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई। आपको बता दें कि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे पिछले दिनों से, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस की और शतक भी लगाए। उनको हैदराबाद की टीम ने 13.25 करोड़ में खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के पास कप्तान की कमी थी, शायद हो सकता है इन्हें कप्तान बना सकते हैं। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के एक शानदार बल्लेबाज हैं, वह मैच का रुख पलटने में माहिर हैं। शायद हैदराबाद ने पहले से मान बना लिया था कि इसे ही खरीदना है, और वह हैरी ब्रूक पर अंत तक बोली लगाते रहे और अंत में उन्होंने 13.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अब हैदराबाद की तरफ से हैरी ब्रूक खेलते नजर आएंगे और आईपीएल में धूम मचाएंगे। इसके बाद दोस्तों, केन विलियमसन को दुनिया के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है। क्रिकेट जगत में केन विलियमसन किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। आईपीएल की मिनी ऑक्शन में केन विलियमसन पर बोली लगाई गई। आपको बता दें कि केन विलियमसन पर कई टीमों की नज़र थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक केन विलियमसन को उतना पैसा नहीं मिल पाया है। केन विलियमसन पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई और इसको अंत में आपको बता दें कि केन विलियमसन को गुजरात टाइटंस ने 2 करोड़ में खरीद लिया, यानी कि उनके बेस प्राइस पर ही उन्हें खरीदा गया है। आपको यह भी बता दें कि केन विलियमसन को इसी वर्ष हैदराबाद की टीम ने रिलीज कर दिया था। तो खबर यह है कि केन विलियमसन को 2 करोड़ के बेस प्राइस में गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया है। अब हार्दिक पांड्या की टीम के साथ खेलते हुए नजर आएंगे केन विलियमसन। पैसे थे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जिन्होंने सबको प्रभावित किया है और अपना नाम दुनिया के अच्छे ऑलराउंडरों में दर्ज कराया है। आपको बता दें कि कैमरन ग्रीन भारत में बल्लेबाजी कर चुके हैं। आइए अब आपको बता दें कि कैमरन ग्रीन को किसने खरीदा और कितने रुपए में। कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए हर एक टीम अपनी नज़र बनाए हुए थी और अंत में कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपए में खरीदा। कैमरन ग्रीन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा गया था। इसके बाद जब आईपीएल की नीलामी में जब टीमों ने बोली लगाई तो कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपए में खरीदा। कैमरन ग्रीन रोहित शर्मा की टीम के साथ मिलकर आईपीएल 2023 में धूम मचाएंगे और मुंबई इंडियंस को आईपीएल में टाइटल दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। बस कम पैसे थे दोस्तों, बेन स्टोक को कौन नहीं जानता, जिन्हें दुनिया के महान ऑलराउंडर में गिना जाता है। बेन स्टोक को खरीदने के लिए सारी टीम में अपनी नजर रखाए हुए थी और दोस्तों अंत में बेन स्टोक को सीएसके टीम ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद लिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि बेन स्टोक का बेस प्राइस 2 करोड़ रखा गया था। इसके बाद जब आईपीएल की नीलामी में जब टीमों ने बोली लगाई तो बेन स्टोक को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। बेन स्टोक सीएसके टीम के साथ मिलकर आईपीएल 2023 में खूब धूम मचाएंगे और सीएसके टीम को आईपीएल में टाइटल दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, बेन स्टोक सीएसके को आईपीएल जितवाएंगे? इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में। आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा चर्चे इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन के होने वाले हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट ने पहले ही बता दिया था कि सैम करन पर पैसों की खूब बारिश होने वाली है। सैम करन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर भी हैं और दमदार बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। उनको 32 आईपीएल मैचों का अनुभव है और वे इस साल हुए T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट लिए थे। दोस्तों आपको बता दें कि सैम करन को पंजाब टीम ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा गया है। दोस्तों सैम करन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था, लेकिन वो 18 करोड़ 50 लाख रुपए में पंजाब टीम के द्वारा खरीदे गए। सैम करन पंजाब के साथ मिलकर आईपीएल 2023 में खूब धूम मचाएंगे, पंजाब टीम को आईपीएल में टाइटल दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि शायद सैम करन अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों निकोलस पूरन को कौन नहीं जानता, दुनिया के महान खिलाड़ी और कीपरों में इनकी गिनती होती है। निकोलस पूरन को खरीदने के लिए हर एक टीम ने नज़र बनाई हुई थी और अंत में निकोलस पूरन को लखनऊ ने खरीदा। तो दोस्तों आपको बता दें कि निकोलस पूरन का बेस प्राइस 2 करोड़ रखा गया था। इसके बाद आईपीएल की नीलामी में जब टीमों ने बोली लगाई तो निकोलस पूरन को 16 करोड़ रुपये में खरीदा।